फाजिलका समाचार वेब टीवी देखे दर्शकों का स्वागत है। फाजिलका के गांव रामकोट में गांव वासियों को पिलाया जा रहा है दूषित पेयजल। दूषित पेयजल पीने से गांव के लोग पड़ रहे हैं बीमार। जानकारी देते किसान यूनियन के कार्यकर्ता देवेंद्र कुमार ने बताया कि उनके गांव में कई दिनों से वाटर बक्स में एक पशु मरने के कारण उनके पेयजल में गंदी बदबू आ रही है। उनके वाटर बक्स के बेलदार द्वारा कोई साफ सफाई नहीं की जा रही। इसके साथ ही बेलदार ने वाटर बक्स पर अपने पालतू पशुओं को बांध रखा है। उन्होंने बताया कि वाटर बक्स का दूषित पेयजल पीने से उनके गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन से कई बार वह शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि इसे जल्द से जल्द साफ सफाई करवाई जाए। फाजिलका समाचार के लिए सिकंदर सिंह की रिपोर्ट। ये हमारे गांव रामकोट तहसील व जिला फाजिलका का वाटर बक्स में 6 मासी नहर से पानी लिफ्ट कर दिया जाता है पीने के लिए। उस पानी में जो ये आपको वीडियो दिखाई गई है, इस टंकी में गाय को मरी हुई है 6-7 दिन हो गया है। ये पूरी तरह फूल चुकी है और गल भी गई है, पानी के द्वारा बदबू मार रही है। यही पानी आगे गांव वालों को सप्लाई किया जाता है। हमारा बेलदार है, वो इसका कोई ध्यान नहीं रखता। बार बार शिकायत करनी पड़ती है, जेई एसडीओ कोई सुनवाई नहीं करते। आगे डीसी साहब के पास भी शिकायत गई है। हमारी 12 मासी की पानी भी चोरी होती है, उसके बारे में भी शिकायत गई है। आगे पिछले साल एक कुत्ता मरा हुआ था टंकी में, वो भी पिछले साल न्यूज़ लगी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिला के बात यह है भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वाटर वर्क्स का पानी जो ये कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ पानी जो अभी कह रहे हैं, हम स्वच्छ पानी के लिए मुहिम चलाएंगे। मुहिम क्या चलाएंगे, पानी हमारे स्वच्छ नहीं जा रहा है। आप ये देख सकते हो, प्रशासन की नाकाम है, प्रशासन पूरी तरह भ्रष्टाचार में है। जो भी शिकायत करोगे उसका कोई भी निर्णय नहीं आएगा। फाजिलका डिस्ट्रिक्ट का ये देख लिया है, हजारों शिकायतें हमारे गांव रामकोट की, एक पर भी एक्शन नहीं हुआ है, ना ही ये प्रशासन करता है।